देखो पंजाब सरकार ते मां जो गवर्नर साहब का जो टकराव केवल विधानसभा स्पैशल सैशन ते नहीं है बल्कि काफ़ी लंबे समय तो टकराव चलता आ रहा और उस और टकराव मदभागा भी है और पंजाब लई नुकसानदायक भी है और मैं समझता उहदे च किते ना किते पंजाब सरकार का जरा होमे कह लो हंकार कह लो जां मैं तो कहांगा बचपना भी है किसी ना किसी रूप दे विच कि तुसी जेड़ा काम गलबात करके सर सकदा उनू तुसी टकराव च लै जाओ उनू तुसी विवादां च लै आओ उनू तुसी अदालत विच लै जाओ मतलब सुप्रीम कोर्ट ते आप ही जाके मोहर लवा लैंदी अपने पैरां ते आपे कुहाड़ा मार लिया मुख्यमंत्री साहब ने अपने घर नू आपे लांबू ला लिया मुख्यमंत्री साहब ने ते इहदे नाल तां चंगी गल सी कि 10 कदमां ते गवर्नर साहब दा घर जाके सॉर्ट आउट कर दे ते सूबे लई भी फायदे सी ते सुप्रीम कोर्ट की मोहर बना लगती हूँ सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगन तो बाद फिर भी टकराव कायम रखना एक पासे तो केजरीवाल साहब रामलीला ग्राउंड के विच मोदी साहब नूं नसीहतां दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के किते फैसले ते अमल क्यों नहीं किया ते दूजे पासे उन्होंने अपनी सरकार उन्होंने आपका मुख्यमंत्री वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले नूं मन नहीं रहा हालांकि श्रोमणी अकाली दल इस गल का बताई है सिद्धांतक तौर पर कि असी तो इतों तक भी कहने आनंदपुर साहब के मते अनुसार भी गवर्नर का उदा ही नहीं होना चाहिए जां तां फिर केजरीवाल साहब खड़न श्रोमणी अकाली दल के नाल आनंदपुर साहब के मते की सपोर्ट के फिर भी कोई गल मनी है ये थोड़ो आ भी जिथे उन्होंने आप जिथे मेरा आनंद घोष उत्थे गधी मरी दा नहीं दोष जिथे इन्हों नुकसान आ उत्थे सारा कुछ आ जिथे होर नूं आ उत्थे फिर चुप ने जे तो सिद्धांतक तौर पर जे गवर्नर के अहदे नूं गलत समझते हैं तो फिर अकाली दल वांगू लड़ाई लड़न अकाली दल वांगू आनंदपुर साहब के मते ते खड़न ते हुण जो भी टकराव गवर्नर साहब नाल अज पंजाब दे विच मुख्यमंत्री साहब का वो बड़ा मदभागा उन्हें सॉर्ट आउट करवाना चाहिए मैं तो इस गल दे श्रोमणी अकाली दल इस गल दे हक च मैं समझदा कि एक शब्दां नूं विवाद बना मूली गल्लां नूं विवाद बना के मतलब जिवें कहिंदे आ वी खांदे दा सिर हिलदा वह गल करन वाली गल कर रहे ने असल मैंने विच बेसिकली ऐसे मसले सॉर्ट आउट होने चाहिए ने अज जिहड़ा सब तो वड्डा गल मैं करनी चाहुंदा जो पंजाब दे सरकार वल्लों स्पैशल सैशन सदन की तैयारी की जा रही है जे एजेंडा नहीं दसा जा रहा पर हवा विच एजेंडा घूम रहा कि पंजाब सरकार जिहड़ी RDF लैके सुप्रीम कोर्ट भी जाण नूं तैयार होई बैठी आ मैं कहना चाहुंदा मीडिया दे राहीं कि सरकार ये मतलब इस किस्म का कदम ना पुटे सुप्रीम कोर्ट भी जाण तों गुरेज करे उस तो पहला अपनी दलील राही अपना पंजाबियों के एके का पंजाबी का असर पंजाब का पंजाब की इस देश दे विच आजादी के समय की कंट्रीब्यूशन भुखमरी दूर करने कंट्रीब्यूशन सरहदा ते राखी करने कंट्रीब्यूशन पंजाब की अहमियत दस के पंजाब की एक मुठता एक जुड़ता एक सुरता एक मंच तैयार करके मतलब एक सर्व पार्टी मीटिंग सद के समुचिया समुचे पंजाबियों का एके का असर दिल्ली से पाने की लड़ है दलील राही भी गल करनी चाहिए आ कि असी साड़ी चीज़ आ असी अपनी चीज़ पर कोई टैक्स ला सकते हैं केंद्र सरकार कौन हों टैक्स रोक ना लाने सानू दलील देन दी पर बदकिस्मती आ कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार दियां पहला शर्तां मन के RDF नूं किवें खर्च करना अपना मालकी का हक गवा लिया मालकी का हक गवाण करके हुण केंद्र ने अपनी मनमर्जी वरतनी शुरू की मतलब ये बीज तो मुख्यमंत्री साहब ने खुद बीजे ने हुण बीज ले चल हुण पछताउण दा कोई फायदा नहीं हुण तां पंजाब नूं इकट्ठा करके पहला मैं समझदा केंद्र ते दबाव बनाउण दी लोड़ आ दलील राही अखलाकी तौर पर मतलब एक परंपरागत तौर पर ना कि पहले ही शिखर का टाणा फड़ लो ना कि पहले ही अदालत दे विच जा खड़ो जे मतलब गवर्नर साहब के मसले से जिवें सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के मुख्यमंत्री नूं बड़ा स्पष्ट शब्दों से कहता कि गवर्नर साहब जी तुहानूं गल मननी पएगी जे खुदा ना खासता RDF के मामले में अजिहा फैसला सुप्रीम कोर्ट कर दिंदा तां पंजाब दा तां भविख बिल्कुल ही खतम डामाडोल हो जाएगा पंजाब दे तां बिल्कुल ही सड़कां बनाउण दे साधन जिहड़े ने खत्म हो जाणगे तां चंगी गल इह आ अज्ज भी मौका
भी कितने गलत रास्ता ना कि पंजाब सरकार स्पैशल सैशन सुप्रीम कोर्ट भी जाने का अख्तियार कर ले, आखिरी डंडा नहीं पहला फड़ना चाहिए, होर पहला रास्ते जोड़े ने उन्होंने अमल करना चाहिए, साड़ी राय आ पंजाब के मुख्यमंत्री ने। देखो बड़ी बदकिस्मती की गल आ कि BBMP दे विच पहला तो पंजाब की स्थाई मैंबरशिप खोली केंद्र ने, पर दुख इस गल का कि मान जो मुख्यमंत्री साहब ने एक ट्वीट करके केवल रोस जाहिर किया, एक जानकारी दी है ना कि रोस जाहिर किया। सो मैं समझता कि जे उदों ही सही मायने में प्रोटेस्ट जबरदस्त किया हों उस समय ही पंजाबियों के गुस्से का इजहार केंद्र सामने रखा हों अज प्रधानमंत्री जी पंजाब का पानी खो के दिल्ली नूं देण दी गल ना करदे। सो इस करके अज मैं कह सकदा कि पंजाब का जिहड़ा पानी आ उहदे ते किसी होर का हक नहीं है, तो ना ही केंद्र सरकार नूं वह कदम चुकने चाहिए ने जिहदे नाल पंजाब दे लोकां च नाराजगी भी होवे और पंजाब दे लोकां नूं अहसास भी होवे कि साडे नाल किसी तरह का विचकरा हो रहा, क्योंकि आजाद भारत दे विच पंजाब दे नाल भाषा के आधार से सूबा बनाने विच भी विचकरा होया, फिर पानिया की वंड के मामले में भी विचकरा होया, फिर राजधानी देन के मामले में भी विचकरा होया, पंजाब नाल जिहड़ी डिस्क्रिमीनेशन की कहानी लंबी चल रही आ मतलब उन्हों मतलब रोकण की लोड़ आ उहदे च मतलब तिल्ली लाउण की लोड़ नहीं है। तो मैं समझदा BBMP के मामले के प्रधानमंत्री जी ने जो पानी का मसला पानी पंजाब का दूजे सूबे देन की गल की आ वो सरासर गलत आ और नहीं करना चाहिए, पंजाब को ही पानी रहना चाहिए। मैं समझना कि हरजोत बैंस उन्होंने ठीक है अपने लीडर की चापलूसी करनी चाहिए है, अपने लीडर का मतलब प्रशंसा करनी चाहिए है, पर इस हद तक भी नहीं जाना चाहिए कि मतलब लोग हादसा कर। महाराजा रणजीत सिंह का कंपैरिजन साहब भगवंत सिंह मान अज के मुख्यमंत्री ना करना किसी तरह भी उचित नहीं है। मतलब किन्नी उदाहरण दिखाई जा सकती जिहड़ियां मतलब महाराजा रणजीत सिंह का मुकाबला भगवंत मान होरां ना करना, मैं समझदा महाराजा रणजीत सिंह की शख्सियत को घटाउण वाली गल है।